अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। कर्नाटक की मुस्कान को लेकर जिसने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए थे मुस्कान, उसको क्या सलमान खान और आमिर खान देंगे 5 करोड़ रुपए? क्या है सही खबर? आइए मैं आपको बतलाता हूँ। कर्नाटका के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद देश भर में चर्चा का मौजू बना हुआ है। हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ जुमा को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। इस विवाद की लहर में बॉलीवुड के टॉप सितारों तक के नाम भी लपेटे में आ गए। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलती दिखी कि ये नारे लगाने के लिए सलमान खान, आमिर खान और तुर्की सरकार मुस्कान खान को 5 करोड़ रुपए देंगे। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मुस्कान को देंगे सलमान खान और आमिर खान 5 करोड़ रुपए। हिजाब विवाद मामले के वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मुस्कान का समर्थन कर उसकी हिम्मत की तारीफ की, तो वहीं कुछ ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों की जिद की आलोचना की। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट दिखे जिनमें कहा गया कि मुस्कान खान को ऐसा करने के लिए जहां तुर्की सरकार 5 करोड़ रुपए दे रही है, तो कुछ में कहा गया कि सलमान और आमिर 3 करोड़, जबकि तुर्की सरकार 2 करोड़ रुपए देगी। मगर आपको बता दें कि ये खबर जो है सिर्फ अफवाह है। आपको बता दें कि मुस्कान खान को लेकर तुर्की सरकार ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया जिसमें इनाम देने की बात कही हो, ना ही इनकी वेबसाइट पर ऐसी कोई जो है प्रेस रिलीज जारी हुई है। वहीं आमिर खान और सलमान खान ने तो अब तक हिजाब विवाद पर किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऐसे में ये बात साफ है कि सोशल मीडिया पर हो रही ऐसी खबरें बिल्कुल फेक है नाज़रीन। तो इस बात का आप विश्वास ना करें, इसलिए कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।